ചേരുന്നേ ചേരുമ്പോ എന്തെങ്കിലും വേണം. आज हमने अपने रिटर्निंग अफसर के समक्ष अपना नॉमिनेशन जो है वो दाखिल कर दिया है. तो अभी जो आगे है, हमारी सभी पार्षदों से बात हुई है, सभी लोगों से बात हुई है और सबने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया हुआ है. तो इसी वजह से पार्टी ने फैसला लिया कि हमारी तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए मेरा नाम दिया गया है. तो मैंने अपना नॉमिनेशन जो है वो दे दिया है अपने रिटर्निंग ऑफिसर को. 20 तारीख को मुकर्रर की गई है हमारी वोटिंग की तारीख. तो 20 तारीख को फिर पता चलेगा जो भी हमारी रणनीति होगी. सर, भाजपा के पास, भाजपा ने दावा किया है कि 10 पार्षदों का उनको समर्थन है जिसमें उन्होंने सिग्नेचर भी किए हैं, तो आप किस तरह अपना दावा पेश कर रहे हैं? सिग्नेचर देखिए, जब तक बैलेट पेपर पे मोहर लगेगी वही जो असल सिग्नेचर वही होते हैं. ऐसे हम घर बैठे जितने भी सिग्नेचर करवा लें, असल मोहर बैलेट पेपर पे ही होगी. और जब बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में पड़ेगा और फिर बैलेट बॉक्स खुलेगा तभी पता चलेगा कि कौन किसके साथ है. हमें पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और पार्टी की तरफ से भी हमें कहा गया है फॉर्म भरने के लिए, नॉमिनेशन के लिए. वो हमने पार्टी के हाईकमांड का जो फैसला है उसको माना है और आज अपना नॉमिनेशन जो है वो अपने रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया. शुक्रिया, धन्यवाद. आज अमित शर्मा ने नामांकन भरा है प्रेसिडेंट के लिए और ये रियासी म्यूनसिपैलिटी से उन्होंने भरा है. और रियासी म्यूनसिपैलिटी और कटरा म्यूनसिपैलिटी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो नामांकन है इसकी अंतिम तिथि 16 को है, 17 को स्क्रूटनी रहेगी और 20 को इसका पोल है. 20 को वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का पोल डे है. तो क्या 22 अभी तक एक ही नामांकन है?